नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैपट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का वीडियो खास है क्योंकि ये टर्की में शूट किया गया है, और इसलिए खास है क्योंकि आपको दिखाएंगे खास फर्नीचर यूनिट, एंड ऑल द मोर स्पेशल बिकॉज वी आर विथ अ कंपनी दैट हैज़ बीन सर्विंग नॉट ओनली गुड क्वालिटी प्रीमियम सेगमेंट फर्नीचर यूनिट्स, ऑल्सो अ ट्रस्ट। ये बहुत कंपनी कम कर पाती हैं जो मुकाम आज इस कंपनी ने हासिल किया है। अलग अलग तरह के फर्नीचर यूनिट बनाने वाली ये कंपनी अलग अलग तरह के क्लाइंट्स को ऑल इंडिया में सर्व करते आए हैं। इट्स अ प्रिविलेज मोमेंट, हम सब के लिए गर्व की बात है दैट वी हैव अ कंपनी लाइक दिस टुडे। इट्स अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर ऑल ऑफ अस। यस सर, ऑब्वियसली है ना, मेरे को लगता नहीं है कि इससे ऊपर किसी ने कभी देखा होगा आज तक। ओके जी, सो आज हम बात करेंगे कार्विंग के बारे कार्विंग के बारे में। इनफैक्ट कार्विंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे लोगों को कि कार्विंग के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। जी जी जी। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो जिनके बेसिस पे आप कार्विंग के कॉन्सेप्ट्स डिजाइन करते हैं, कैसे कैसे उनको उनकी हार्मनी क्रिएट करते हैं, हाउ यू डू यू मेक अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑल द यूनिट्स सो नन ऑफ द यूनिट्स विल स्टैंड आउट, दैट्स व्हाट द होल कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। बिल्कुल सर। बट यू हैव अ सक्सेस स्टोरी, आई रिमेंबर वी स्टार्टेड शेयरिंग पिक्चर्स विद कपल ऑफ पीपल, यू हैव मेड कपल ऑफ बुकिंग्स आल्सो। ऑब्वियसली एक्चुअली व्हाट आई नो, मैं जितना जानता हूँ मुझे जानता हूँ कि जो कार्विंग फर्नीचर बाय करेगा ना, वो उसे उसको अपने घर के लिए फर्नीचर नहीं चाहिए, वो उसको इससे प्यार करता है। इससे वो प्यार करता है कार्विंग से, वो कार्विंग वाला फर्नीचर लेता है। तो मेरे पास कुछ लोग थे जो काफी दिन से कह रहे थे कि हमें वो ऐसी कार्विंग चाहिए। जैसे आप जानते हैं, मैंने हैदराबाद के लिए और एक पुणे के लिए जिनका बुक किया मैंने, जी ठीक है ना, और अभी शायद एक नासिक से बुकिंग हो जाएगी आज डेट के अंदर, राइट। तो सारे के सारे जो कार्विंग लविंग पीपल हैं, ठीक है ना। तो अभी मेरे 5-6 लोग हैं जिनका मैंने ऑलमोस्ट मेरी डील क्लोज हो चुकी है जिनसे कार्विंग के लेके। तो मैं यही कहूँगी जिसने कराना वो बुक करा सकता है बिल्कुल जल्दी से, क्योंकि एक बार आएगा 3 महीने लगेंगे, उसके बाद दोबारा फिर 3 दिन दोबारा लगेंगे। सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वीडियोस विल बी अपलोडेड व्हेंस वी आर इन इंडिया, सो देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज़ ऑर्डर प्लेस करने के बाद में दे कैन बी डिलीवर्ड टू योर डोरस्टेप्स। राइट सर, राइट। नाउ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द वीडियो मेकिंग हैज चेंज्ड, वी विल नॉट फोकस मच ऑन द वे वी यूज्ड टू डू इट अर्लियर बिकॉज़ आज हम डिफरेंट वैसे करेंगे सर, क्योंकि इसमें मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, इसमें इंपॉर्टेंट है। राइट, सो हम क्विकली सिर्फ दिखाएंगे कॉन्सेप्ट्स। राइट सर। Structure, everything is short, foaming is short, fabric we have already spoken about, there is a wood use, there is some other elements also used, yes, in it, sir. Besides wood also, right, sir, right. There are some other elements, yeah. Quickly hum dikhayenge, aur totally we will talk about the beauty, we will talk about how to use them and aesthetics. Nahi, aaj hum sir teen log ek cheez ke bare mein baat karenge, woh hai beauty aur beauty, theek hai na? Okay. Right sir, right. Chaliye, theek hai. We'll start rolling now. Right sir, right. Hum dikhayenge 3 basic concepts, jo ki drawing room ke hain. जी, ये है मॉडर्न एंड क्लासिक का मिक्स है सर ये, उसमें सिंपल भी है और कार्विंग का काम भी हो रखा है। जी ठीक है सर। तो अब देखेंगे इसके अंदर जो 3-3 हैं ये दोनों के दोनों, और एक 3 के अंदर साइड में फैब्रिक करा है और एक 3 में साइड में पॉलिश कर रखी है। अभी देखिए कहाँ से, इस 3 में देखिए, इधर फैब्रिक करा गया है इसी के अंदर, और उस 3 में देखें वहाँ पर पॉलिश की गई है इसके अंदर, देखिए। ओके, मैचिंग कंट्रास्ट कर रखा है इसको बिल्कुल ना, ठीक है। और बाकी मैचिंग कैसे पॉलिश किया है, हाँ जी आप देखेंगे सेम बैक, इसकी बैक के अंदर भी ऐसे कर रखा है, उसकी बैक में हमने फैब्रिक दे रखा है और इसकी बैक के अंदर हमने पॉलिश कर रखी है, ठीक है जी। डन। ये मतलब आइडिया ये हो गया कि ये थोड़ा सा हैवी बनाना है, ये थोड़ा सा लाइटर बनाना है। राइट सर, राइट, राइट। ओके, और क्या करते हैं यहाँ पे, इसकी लेंथ बड़ी अच्छी खासी लंबी है। राइट सर, राइट। आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन है ये, इसके अंदर कोई भी सीट में डिवीजन दे रखा, पूरा 1 पीस की सीट दिखाई है इसके अंदर। ओके, और आगे जो है सेम फैब्रिक की डोरी दे रखी है इसके अंदर। जो कार्विंग वगैरह देखेंगे आप, ऊपर आर्म्स में साइड में थोड़ा सा कार्विंग दे दिएगा, वो सेम आर्म का जो चलता हुआ लाया है वो नीचे लेग तक लिया है। अच्छा, आप देखेंगे वो पूरा नीचे तक गया और उसको चारों तरफ घुमा दिया गया। राइट, और सेंटर के अंदर एक एल शेप के अंदर कार्विंग लगाया गया, जो ऊपर से नीचे तक दोनों तरफ देखें तो साइड में दोनों तरफ फूल होगा, सेंटर में भी कार्विंग बड़ी अच्छी हो रखी होगी इसकी, ठीक है। और ये इसका एक 3 सीटर है, दिस इज अनदर सीट 3 सीटर जो साइज में बराबर है। जी जी, ओनली डिफरेंस इज द इन द पॉलिश, कलर पॉलिश एंड डिजाइन। एक में साइड बैक में फैब्रिक है और एक में बैक में पॉलिश है, ठीक है जी। एंड टू मैच विद दिस, एक दोनों एलिमेंट इसमें कैरी फॉरवर्ड किए हैं जो इसके सेंटर टेबल में। जी बिल्कुल, मतलब फैब्रिक छोड़ के बाकी सब कुछ है इसमें। राइट सर, राइट, राइट। ओके, अब इसकी चेयर्स देखेंगे हम। जी सर, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है ये कंपेयर टू अदर्स। राइट सर, राइट, राइट। थोड़ी छोटी लग रही है उनसे। राइट सर, राइट, राइट। इसी 1-1 चेयर और सिंपल एलिगेंट बहुत सुंदर चेयर है ये। ओके जी सर, प्राइस वाइज देखेंगे तो ये थोड़ा सा इकोनॉमी में आएगा, इकोनॉमी में आएगा, बिल्कुल आएगा जी, उनके मुकाबले थोड़ा सा कॉस्ट में फर्क होगा, हालांकि इसकी कार्विंग उतनी है
लेकिन बाकी चीजें इसमें इकोनॉमी सेक्शन में आएंगी। इसके सबसे सुंदर इसके लेग्स हैं सर, आप देखेंगे ना जो इसके लेग्स हैं वो बहुत ही सुंदर है, एकदम वेरी इंट्रिकेट, वी कॉल इट एज गुथा हुआ, नहीं कहते जैसे अपने, राइट, वेरी वेरी थिक एंड वेरी कंडेंस्ड। ओके, चारों लेग आगे पीछे से देखेंगे बहुत ही सुंदर, चेयर के अंदर सेम वही सोफे में लगे हुए हैं, सोफे में भी चारों लेग ऐसे लगाए हैं, चेयर में से चार लेग ऐसे पीछे से लगाए हैं सर। ठीक है, इसका मीडिया यूनिट विदाउट द पैनलिंग जो पीछे पार्ट है सीएनसी कटवर्क में वो छोड़ के ये जो आगे कार्विंग वर्क किया हुआ है ये इसका मीडिया यूनिट है। राइट सर, ये इसका मीडिया यूनिट है, एलसीडी यूनिट है पूरा ही। चलिए ठीक है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमारे पास हो गया एक मीडिया यूनिट, दो सिंगल चेयर्स, सेंटर टेबल, थ्री सीटर, राइट? राइट सर। चलिए वी विल चेक आउट द अदर वन, वहाँ देखेंगे वो क्या किया है वहाँ। राइट सर, राइट। दिस इज माय फेवरेट विशाल जी, आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग रूम, बिकॉज ये ना दिस इज वेरी लिमिटेड लिविंग रूम में, मतलब आई थिंक मिनिमलिस्टिक में अच्छा है। हाँ बिल्कुल, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग है इसकी सर। अब देखेंगे थ्री सीटर जो है ना, एक स्ट्रेट लाइन दे दिया गया और एक कर्व में दे दिया गया थ्री सीटर जी बैक को ना, और दोनों का सेम पॉलिश कलर करके और लेग नीचे सर सेम है, बस सर फर्क जो है डिफरेंस थोड़ा सा कर रखा है। यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल यही है कि एक थ्री सीटर को चेयर से मैच कर दिया गया, एक थ्री सीटर को स्ट्रेट लाइन कर दिया गया, तो बहुत सुंदर निकल के आता है, आप देखेंगे। आई लाइक इट फॉर द कलर, आई लाइक इट फॉर द डिज़ाइन एंड द थीम, वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लासी, बहुत अच्छा है। लुकिंग मिरर इसमें आम प्रेस के ऊपर डाला हुआ है, जी सर, है ना? जी सर। ओके, टू मैच विद दिस सेंटर टेबल है यहाँ पे, राइट। एंड जो इसका हाईलाइट है वो है इसके चेयर्स जो कि हम अभी दिखाएंगे, और नेस्ट ऑफ चेयर्स में तीन होते हैं जनरली, यहाँ पे चार हैं, देर आर फोर चेयर स्टूल्स, नेस्ट ऑफ थ्री, नेस्ट ऑफ फोर, है ना? जी बिल्कुल। एंड दिस चेयर, राइट सर, राइट, ब्यूटीफुल चेयर। एंड हाउ डू दे गेट दिस काइंड ऑफ फैब्रिक, द फैब्रिक इज द बेस्ट फैब्रिक इन द वर्ल्ड। हाँ यस सर, ये सारा है सर, ये भी इम्पोर्ट, सारा इम्पोर्ट होता है और अलग अलग कंट्री से आ रहा फैब्रिक सर ये। अच्छा जी, लुक एट द चेयर्स, ब्यूटीफुल चेयर्स, इन फैक्ट समटाइम्स चेयर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द सोफा। यस, चेयर्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट देन द सोफा, आई थिंक सो। जी ओके, जी देखिए, एंड दिस इज द सोफा, समबडी इज चेकिंग, समबडी इज लुकिंग एट आवर वीडियो, है ना? ओके, ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू दिस वन, दिस हैज गॉट अनदर चेयर सेट, सो थ्री सीटर सिंगल चेयर्स, डाइनिंग एंड द मीडिया यूनिट, राइट सर। हाउ मच इज दिस फॉर अप्रॉक्सीमेटली? इसके लिए तो हमें आपसे बात करनी पड़ेगी फोन पे। जी सर। चलिए, वेरी नाइस एंड क्लासी, बहुत अच्छा है ये। चलिए एक और सेट है वो भी देख लेते हैं। राइट सर, राइट। ओके, दिस अगेन इज मिनिमलिस्टिक, सिंपल स्ट्रेट लाइन में है, मोर टुवर्ड्स मॉडर्न कॉन्सेप्ट में है पूरा का पूरा। जी सर, जी जी, जैसे हाई ग्लॉस सोफाज होते हैं ना, ये वैसा कुछ है। राइट सर, राइट, राइट। और जो इसमें कार्विंग है वो सिर्फ बेस में है थोड़ा सा, राइट? राइट। इसमें क्या क्या है हमारे पास? सिंगल सीट है, 3-3-1-1, वन सेंटर टेबल, वन साइड टेबल सर, और एक एलसीडी यूनिट भी है। अच्छा जी, इट्स लाइक अ टब चेयर जैसा है, और हाई ग्लॉस में इसमें थ्री सीटर है हमारे पास, राइट सर। ओके, ये दूसरे सेगमेंट का सोफा है बेसिकली, इसमें क्या है ना कि ज्यादा कार्विंग नहीं है, जो है भी वो थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्टेम्पररी है। मेरे ख्याल से न्यू क्लासिकल थीम वाले जो घर बन रहे हैं उनके लिए भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। जी जी, क्योंकि इसमें ज्यादा कार्विंग नहीं है, हल्का कार्विंग, व्हेन यू हैव मोल्डिंग्स, आपकी दीवारों पे मोल्डिंग है थोड़ा सा, और यू हैव यूजिंग बेज एंड लाइटर टोन्स, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। राइट सर, राइट, बिल्कुल। ओके, मूविंग ऑन टू इस डाइनिंग, नाउ चलते हुए दिखा देते हमारे व्यूअर्स को क्विकली कि इसका डाइनिंग भी है। जी बिल्कुल, ये देखिए सेम है, आइडेंटिकल, दिस वेरी कॉन्टेम्पररी, है ना? राइट, राइट, बिल्कुल सिंपल सोबर। आप इसके सेंटर पे देखिए, अच्छा कॉन्टेम्प्रेरी डिज़ाइन में है ये मोस्टली। जी सर, आइडिया इज टू मिनिमाइज द कार्विंग, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। और आज तक आपने ऐसे टॉप में देखा होगा, इसके टॉप में क्या खासियत है बताइए? फिर टॉप जो है प्लेन नहीं है वन पीस में। अच्छा, टॉप ऊपर नीचे है। अच्छा, अनइवन है ये, अनइवन है। बट इज इट इजी टू क्लीन? यस, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्ली यू कैन पुट अप अ ग्लास, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत ही सिंपल एलिगेंट है ये, तो कोई परेशानी नहीं आएगी आपको यूज करने के अंदर, और काफी कंफर्टेबल फील करेंगे इसके अंदर। ओके, साइज थोड़ा बड़ा लग रहा है ना 6 सीटर के हिसाब से? हां, ये 7x3 है सर। अच्छा, दिस इज 7x3 लग्जरी सेगमेंट, लग्जरी में 6x3 होता है, ये 7x3.5 के करीब आ रही है। ठीक है, और ये है इसका क्रॉकरी कंसोल, राइट? बहुत सुंदर, एलिगेंट, सिंपल। साइड इसका साइड से कर्व है, ऊपर दो मिरर दिए रखे हैं, और सेम जैसे कि डाइनिंग टेबल टॉप के ऊपर किया हुआ ऊपर से, वैसे इसके ऊपर भी सेम ऐसे उसी टॉप से किया हुआ, किया गया। ओके जी सर, यहाँ पे ना शटर्स के ऊपर काम भी कम किया है, बेस के ऊपर थोड़ा सा काम ज़्यादा है, राइट? एंड आइडिया इज टू बेसिकली गिव यू मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस, सो दैट यू कैन स्टोर योर थिंग्स, राइट सर, रादर देन हाईलाइटिंग शटर्स, दैट्स व्हाट द होल कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट, आई गेस, राइट? जी सर। ओके,
एंड देर आर टू मिरर्स, ऑफ कोर्स यू कैन पुट देम, यू कैन वॉल माउंट ऑल्सो, है ना? राइट सर, इन केस यू वांट टू कीप दैट यू कैन ऑलवेज डू दैट, अदरवाइज यू कैन वॉल माउंट. ऑलराइट, दैट्स द एंड ऑफ इट. राइट सर, अभी बहुत कुछ है पर अभी इतना काफ़ी है आज के लिए, इतना ही काफ़ी है. राइट सर, राइट.